नमस्कार मित्रों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे अभी अभी 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है। और हम कुछ चीजें अपग्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है, हमने ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड किया। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे है हमारा नया ट्राइपॉड जो हम अभी यूज कर रहे हैं, तो उसका भी आप वीडियो बिल्कुल देखना चाहेंगे अगर आप यूट्यूबर है और बजट में एक ट्राइपॉड देखना चाहेंगे तो। और यहाँ पे है उसके बाद की प्रोडक्ट, यहाँ पे एक एक्साइटिंग एक्सटेंशन बोर्ड है कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी के साथ, तो वो वीडियो भी आप बिल्कुल चेक कीजिएगा। और यहाँ पे है उसके बाद का अपग्रेड, एक एलईडी फ्लड लाइट, और वो भी ऐसी वैसी फ्लड लाइट नहीं, एक आउटडोर और आरजीबी फ्लड लाइट है। यानी कि इसका आप रिमोट कंट्रोल से कलर चेंज कर सकते हैं। यानी कि ऐसे आपने कई शॉर्ट्स यूट्यूब पे देखे होंगे कि एक थीम लाइट अप्लाई की गई है और काफी इंटरेस्टिंग इंटेंसिव आप शूट कर पाएंगे प्रोडक्ट को, तो इस टाइप के शॉट लेने के लिए ये फ्लड लाइट यूज की जाती है। तो चलिए देखते हैं और इसे अनबॉक्स करते हैं, कैसी है ये एलईडी फ्लड लाइट। तो एक एलईडी फ्लड लाइट की अनबॉक्सिंग तो उतनी एक्साइटेड नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको इस साइज की एलईडी फ्लड लाइट मिल जाती है और यहाँ पे है एक रिमोट कंट्रोल। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमोट कंट्रोल पे काफी सारे फंक्शंस दिए गए हैं, ब्राइटनेस अप, ब्राइटनेस डाउन, ऑन ऑफ और कलर चेंजिंग के लिए और लाइट्स को चेंज करने के मोड दिए गए हैं अलग अलग। तो यहाँ पे आप फ्लड लाइट देख सकते हैं इस टाइप की है। और यहाँ पे जो है वो है IR रिसीवर, यहाँ से आप जो भी ऑपरेट करेंगे वो यहाँ पे रिसीव होगा और उस टाइप की आपको यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिलेगी और ये जाएगा आपके वॉल माउंट में। तो चलिए इसे स्टार्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलईडी फ्लड लाइट स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे है उसका रिमोट कंट्रोल, तो सबसे पहले तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए लाइटिंग को बंद करते हैं, एक्स्ट्रा लाइटिंग को, और देखते हैं कि कैसा आपको इफेक्ट मिल जाता है। Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी लाइटें यहाँ पे बंद कर दी गई है। और यहाँ पे सोचिए कि एक प्रोडक्ट है तो किस टाइप के आप शॉट ले पाएंगे। सबसे पहले तो हम इसके रिमोट की फंक्शनलिटी को जानते हैं। ऑफ कोर्स आप यहाँ से ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक कलर चूज कर लेते हैं जैसे कि व्हाइट है। अब देखते हैं कि ब्राइटनेस को हम यहाँ पे कम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे लीस्ट ब्राइटनेस और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम ब्राइटनेस, तो इस टाइप की आप थीम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रेड, ग्रीन और ब्लू मेन कलर्स, और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग कलर के अलग अलग शेड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि ऐसे 15 अलग अलग कलर है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद 16th कलर है व्हाइट, और यहाँ पे अलग अलग मोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे है फ्लैश मोड, यहाँ पे है स्ट्रोब मोड, स्ट्रोब मोड में थोड़ी स्मूथली लाइट चेंज होगी। यहाँ पे है फेड मोड यानी कि लाइट फेड होके चेंज होगी, और यहाँ पे है लास्ट में स्मूथ मोड यानी कि इसमें जो लाइटिंग चेंज होगी वो काफी स्मूथ रहेगी। तो इस टाइप के कुछ फंक्शन है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि अलग अलग मोड में यानी कि ऐसे तो कैसे प्रोडक्ट की शूटिंग की जाती है ताकि आप एक इंटेंसिव शॉट ले पाए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि आप बोरिंग से प्रोडक्ट की शूटिंग को एक नए लेवल तक ले जा सकते हैं इस एलईडी फ्लड लाइट को लेकर।
और इसके आरजीबी यानी कि कलर चेंजिंग मोड को लेकर आप अलग ही अलग लाइट में शूट कर पाएंगे प्रोडक्ट को। और ये एक काफी बजट एलईडी लाइट है और इसके और फंक्शन को और रिलायबिलिटी को जाने तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 10 वॉट की ये एलईडी लाइट है, यानी कि बिल्कुल भी आपका पावर कंजप्शन तो होने नहीं वाला है। प्लस आप इसके बीम को चेंज करके अगर कहीं भी आपने फिक्स कर दी हो लाइट तो 120 डिग्री तक इसे आप बीमिंग कर पाएंगे, यानी कि एंगल चेंज कर पाएंगे। प्लस इसकी ब्राइटनेस की और प्रोफेशनल बात करें तो 900 LM तक इसकी ब्राइटनेस है, जो काफी अच्छी ब्राइटनेस है ऐसे डिम लाइट या फिर थीम लाइट अप्लाई करने के लिए। और इसकी लॉन्ग लाइफ की बात करें तो ये सिर्फ एलईडी लाइट है, ओनली एलईडी यूज की गई है और 50,000 आवर तक आप इसे यूज कर पाएंगे। और इसकी ब्राइटनेस या फिर लाइट डीके की बात करें तो आप 10,000 आवर्स तक इसे यूज करेंगे तो सिर्फ 5% इसकी ब्राइटनेस कम होगी, जो काफी अच्छी है क्वालिटी होती है लाइटिंग की। और प्लस काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन ये IP65 वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि आउटडोर भी आप इसे आराम से यूज कर पाएंगे और इस रिमोट को आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो काफी अच्छे फंक्शंस के साथ बजट में आपको ये एलईडी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ये एलईडी 600 से 700 रुपए में मिल जाएगी अमेजोन पे, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप बिल्कुल भी इसे चेक कर सकते हैं। और आप एक यूट्यूबर है तो इसे बिल्कुल भी खरीदने की सोचिएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम आपके लिए ऐसे ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं कुरसफर आपको मिलता हूँ टेक हिंदी में और भी ऐसे एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।